आखिर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस घर पर इतने पैसे क्यों लगाना चाह रहे हैं। तू अपने दिमाग पे इतना जोर ना दे, जो मैं कह रहा हूं ना बस वो कर। सॉरी अब्बा, मैं अब आपको मजीद रकम नहीं दे सकता। ये जो तू सारी अकड़ दिखा रहा है ना, तू भूल रहा है कि ये किसकी वजह से है। मेरी वजह से है। मैं अगर गुस्से या जिद में आ गया ना, तो अर्श से उठा के फर्श पे फेंक दूंगा। सारी जिंदगी याद रखेगा ऐसा सलूक करूंगा तेरे साथ। और क्या, और तुम्हारे अब्बा ने जो फैसला कर लिया ना, उस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, ये भी सुन लेना। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। अरे जब भी बात करते हैं गैरों वाली बात करते हैं। मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं अब्बा। मैं इस बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ। इस छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में बिजनेस एम्पायर फैलाना चाहता हूँ। इसमें मेरा अकेले का फायदा नहीं है, हम सबका फायदा है। तो ये बात तुम हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करते हो? आप बेफिक्र हो जाएं, अब से मैं आपको सारी खबरें दूंगा। शाबाश। अच्छा सुनो, पैसों वाली बात बेटा जहन में रखना। आप बेफिक्र हो जाएं, मिल जाएंगे पैसे। शाबाश। अब उतरा है जमीन पे, बहुत ऊंची उड़ान थी। लेकिन ये ना समझ है ना तजुर्बेकार, आपको इसके साथ रहना होगा, वरना तो ये कारोबार को डुबो देगा। यही तो मैं भी सोचता हूँ, इसी बात का फिक्र है मुझे। निम्रा ने तुम्हारे साथ कोई कारोबार संभालने की बात तो नहीं की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छी बात है, ऐसा जिक्र होना भी नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहें, निम्रा को काबू करना मुझे आता है। तुम एक चाय का कप दे दो मुझे।